मामा? वसुधा जी का फोन आया था, प्रिशा की हालत बहुत बिगड़ गई है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। हाँ भाई साहब, तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे, कह रहे थे स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ क्यों है तुम्हारा? फोन मेरा फोन। ये बंद कैसे हो गई? ये क्या कर रहा हूँ मैं यार? प्रिशा की चिंता करूंगा इसके सामने तो ये सब समझ जाएगी। केयरफुल मैन, बी केयरफुल। एक मिनट, ये लोग मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? नहीं, इनको क्या लगता है कि मैं प्रिशा की हेल्प करूंगा? भाग के चला जाऊंगा उसके पास। मैं नफरत करता हूं प्रिशा से। उसके पास है ना उसका वो पहला प्यार, उसका पति, वही देखेगा उसे मुझे। हाँ, पर एक बार जाके मिलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? मैं आपको हजार बार कह चुका हूँ कि मेरा प्रिशा से अब कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे उससे। मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। दादी, मम्मा को क्या हुआ? वो ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज ना रुदर, चलो ना मम्मा के पास, पापा उनके लिए कोई नहीं है, पता नहीं कैसे तबीयत होगी उनकी। प्लीज चलो ना। सारांश, ठीक है, रोना बंद करो, हम जा रहे हैं प्रिशा के पास, ठीक है? कुछ नहीं होगा मम्मा को। रुद्र, प्रिशा चाहे जैसी भी हो, मेरी बहन है, उसने चाहे जितना भी बुरा किया हो, मैं उसके जैसा नहीं कर सकती, पर ना उसमें और मुझमें फर्क ही क्या रह जाएगा। आई थिंक हमें प्रिशा को देखने जाना चाहिए हॉस्पिटल। चलो चलो। गुड्डा, बच्चों को वहाँ जाना ठीक नहीं होगा और अलाउड भी नहीं है, अब यहीं रहो। रुद्र, तुम जाओ। हाँ कनब, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी, ओके? आप यहीं रहना और किसी को परेशान मत करना, मैंने समझाया है ना आपको, अच्छे से याद है ना? गुड। रुद्र, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तुम चल रहे हो? उसे मन तो नहीं है मेरा, ठीक है, तुम्हारे और सारांश के लिए चलता हूँ। फोन करना। क्या हुआ इसे? पता नहीं, हम लोग बाहर गए हुए थे, जब घर आए तो ये जमीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर, डॉक्टर कैसी है प्रिशा, क्या हुआ इसको? वो जो पार्सल बॉक्स मिला था इनके पास, उसमें जहरीले केमिकल्स निकले। इन्होंने जैसे वो बॉक्स खोला होगा, वो जहरीली गैस निकली, उनकी सांस में चली गई, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। पर ये तो अच्छा हुआ कि आप इन्हें सही टाइम पर यहाँ लेकर आ गए। लकली उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर फिर भी हाँ, इनके नर्वस सिस्टम पर कुछ असर हुआ, जिसका हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। वेंकटेश्वर, वो पार्सल बॉक्स किसने दिया इसे? जिसने भी भेजा हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ पाप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। किसने भेजा होगा पार्सल इसे? वसु, तुम थक गई होगी, चलो कॉफी पी के आते। आओ महिमा। अब आप प्रिशा को अकेला छोड़ के कैसे जाएंगे? सब नहीं जा सकते। तुम थोड़ी देर रुक सकते हो यहाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। मैं जानता हूं तुम इससे नफरत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी देर रुक सको तो। मैं हूं यहाँ, आप लोग जाइए। बस महिमा, क्या हो गया प्रिशा? सोचा नहीं था कि ये सब करना इतना मुश्किल हो जाएगा, जान भी दांव पे लग जाएगी। मुझे सारांश अपनी लाइफ में चाहिए, पर तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हारे बिना तो हम लोग अधूरे हैं, कुछ नहीं बचेगा हमारी लाइफ में तुम्हारे बिना। प्लीज आंखें खोलो, ठीक हो जाओ प्लीज, मेरे लिए, सारांश के लिए बेगाना। जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते
रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीब वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते। कन्हा, कन्हा ठीक लग रहा है? हमें बहुत चिंता हो रही थी कन्हा। प्रीशा, कैसे हो गया ये सब? पता नहीं कैसे वो कुरियर वाला वो बॉक्स लेकर आया था। मैंने वो बॉक्स खोला, उसमें से कोई गैस निकली और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। उसमें केमिकल था, डॉक्टर ने बताया हमको। Excuse me. प्रीशा जी, आपसे कुछ पूछना है। क्या आप गौतम शुक्ला को जानती हैं? मैं नहीं जानती गौतम शुक्ला को। कौन है? देखिए, ठीक से याद करके बताइए, बिकॉज उनके मोबाइल से आखिरी बार डायल किया हुआ नंबर आप ही का था। आखिरी डायल किया हुआ नंबर मुझे नहीं पता। मान गए प्रीशा, क्या रियल एक्टिंग करती है तू। सच में लग रहा है जैसे तू गौतम को जानती ही नहीं है। अच्छा है, हम दोनों अपना अपना गेम खेलते हैं, पर इतना याद रखना, मैं तुझसे और रुद्र से हमेशा 10 कदम आगे रहने वाली हूँ। इसलिए मैंने पहले ही गौतम को मरवा दिया। एक्चुअली आपका नंबर देखा तो हमें लगा कि शायद आप उन्हें जानती होंगी। एनीवेज, गौतम शुक्ला का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। उसकी कार पूरी तरह जल गई है। मतलब जो भी था, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पर ये कैसे हुआ? इतना बड़ा एक्सीडेंट, कहीं इसके पीछे आपका का हाथ तो नहीं है? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया था कि हम उससे मिल रहे हैं और उसे लेकर पुलिस के पास जाने वाले? हे वेंकटेश्वरा, बचा लेना उसे प्लीज, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। कार जल गई तो मतलब वो तो डोंट वरी, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। फिलहाल वो ठीक ठाक है। अभी कहाँ है वो? इसी हॉस्पिटल में। देखिए, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा पूछताछ करने आएंगे, बस हम गौतम के होश में आने का वेट कर रहे हैं। उससे मिली जानकारी के बाद हो सकता है कि आपसे पूछताछ करनी पड़े। अच्छा हुआ आप आ गए, हमें भी एक कंप्लेंट फाइल करनी है। एक्चुअली हमारी बेटी जो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी ने केमिकल्स वाला बॉक्स पार्सल किया था, जिसकी वजह से ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अटैक किसी एक ही पर्सन ने किए? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम पूरी तरह छानबीन करेंगे। बस एक बार गौतम का बयान मिल जाए, उसके बाद सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। और जैसे ही गौतम होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए।